हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज़ और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। शाबाश मिट्टू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की मां। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी COVID-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो शाबाश मिट्टू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद
फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की, तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिट्टू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की, तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की, तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मिट्टू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की, तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास
दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो शाबाश मिठू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिट्टू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मिट्टू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है,
मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो शाबाश मिट्टू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की, तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिट्टू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की, तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की, तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मिट्टू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और Viacom 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की, तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज,
ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी COVID-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो शाबाश मिठू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिट्टू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। NDTV के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मिट्टू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित
स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी COVID-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो शाबाश मिट्टू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिट्टू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। NDTV के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए
निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई दो से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मीटू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने बीसीसीआई के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की मां। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो शाबाश मिट्टू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिट्टू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी,
लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की, तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की, तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मीटू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की, तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिटू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर्स फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो शाबाश मिट्टू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए।
23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की, तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिट्टू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की, तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की, तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मिट्टू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की, तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग
मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई, अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो शाबाश मिठू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिठू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मिठू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर्स फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा,
उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी। हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो शाबाश मिट्टू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की, तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिट्टू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की, तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की, तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मिट्टू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं।
बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी COVID-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो शाबाश मिट्टू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिट्टू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। NDTV के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया।
बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वूट और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मीटू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र, मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी COVID-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो शाबाश मिट्टू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिट्टू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। NDTV के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना
कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की, तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की, तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वूट और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मीटू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की, तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो शाबाश मिट्टू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की, तो
इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिट्टू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की, तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की, तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मिट्टू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की, तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र, मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और
घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो शाबाश मिठू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिठू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मिठू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः
अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो शाबाश मिट्टू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिट्टू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मिट्टू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और Viacom 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति,
लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो शाबाश मिट्टू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिट्टू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मिट्टू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और
वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र, मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी COVID-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो शाबाश मिट्टू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिट्टू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। NDTV के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की।
यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई दो से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मीटू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र, मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी कोविड 18 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो शाबाश मिट्टू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिट्टू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। एनडीटीवी के
सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की, तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की, तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मिटू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की, तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो शाबाश मिट्टू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़
और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की, तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिट्टू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की, तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की, तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मिट्टू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की, तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर्स फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी कोविड 18 के कारण विलंबित होने के बाद
5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई, अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो शाबाश मिठू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिठू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मिठू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिठू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को
खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी। हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो शाबाश मिट्टू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की, तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिट्टू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की, तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की, तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मिट्टू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और Viacom 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की, तो तापसी पन्नू
मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी COVID-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो शाबाश मिट्टू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिट्टू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। NDTV के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया।
बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मीटू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिटू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर्स फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी COVID-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो शाबाश मिठू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिट्टू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। NDTV के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना
कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की, तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की, तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वूट और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मीटू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की, तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने BCCI के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की माँ। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो शाबाश मिट्टू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया।
बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की, तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिट्टू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की, तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की, तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। शाबाश मिट्टू 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो सृजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वायाकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। इसमें मिताली के जीवन पर उतार चढ़ाव और गौरव के क्षण वर्णन किए हैं। बात करें इस फिल्म के कास्टिंग की, तो तापसी पन्नू मिताली राज उर्फ मिट्टू के रूप में, युवा मिताली राज के रूप में इनायत वर्मा, झोरना घोष के रूप में मुमताज सरकार, झूलन गोस्वामी पर आधारित चरित्र मिताली के कोच संपत के रूप में विजय राज, ब्रिजेंद्र काला बने बीसीसीआई के मुख्य व्यक्ति, लीला राज के रूप में देवदर्शनी मिताली की मां। बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राज के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह फिल्म अधिक लोगों, खासकर युवा लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बायोपिक की शूटिंग 2019 में करने की योजना थी। राज ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन पसंद होगी, हमारी पर्सनालिटी काफ़ी मिलती है। मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद आएगा, विशेषतः अपना काम करेंगे। अंत तापसी पन्नू को 2020 में राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित शाबाश मिट्टू नामक बायोपिक में मिताली राज की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस फिल्म की फिल्मिंग मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 के कारण विलंबित होने के बाद 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अंत 9 नवंबर को फिल्मांकन पूरा हो गया। मिताली के जीवन के घटित वास्तविक घटनाओं का वास्तविक एहसास दिलाने के लिए फिल्म की शूटिंग लंदन के
लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर की गई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो शाबाश मिठू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 0.40 करोड़, दूसरे दिन 0.55 करोड़ और तीसरे दिन 0.70 करोड़ कमाए। 23 जुलाई 2022 तक फिल्म ने भारत में 2.42 करोड़ और विदेशों में 0.24 करोड़ की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई 2.76 करोड़ रही। भारतीय नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति के बाद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यू की तो इंडिया टुडे की अनिदिता मुखर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, शाबाश मिठू एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से दक्षिण प्रभुत्व के युग में बॉलीवुड के भाग्य को नहीं बदलेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में महिलाओं की किस्मत बदलने वाले क्रिकेटर को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में यह स्कोरबोर्ड एक पर इतना कुछ डाल देना है कि इसे बिना किसी ठोस पारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज की तो 3 दिसंबर को मिताली राज के जन्मदिन के अवसर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए निर्माता ने फिल्म को रिलीज की तारीख 4 फरवरी 2022 घोषित की। यह तारीख राजकुमार राव की कॉमेडी फिल्म बधाई 2 से टकरा रही थी, जिसे 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हुई और आखिरकार इसे 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। बात करें इस फिल्म के होम मीडिया की तो यह फिल्म 12 अगस्त 2022 से वुड और नेटफ्लिक्स दोनों पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम की गई है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।